एवरीवन, मैं आराध्या आप सभी के अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहो कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और मैं जा रही थी किचन में, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, आज मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है, देख लो, कोई फिल्टर नहीं और चेहरे पे कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाया है, छोटी सी बिंदी लगाई है रेड कलर में, और देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाभी आप फिल्टर बहुत यूज करते हो, तो मैं फिल्टर नहीं लगाई हूँ, देख सकते हैं। और ये मेरी पीली वाली साड़ी कैसी लग रही है। तो दोस्तों, पहले हमें जो है ना पिंक बहुत ज़्यादा पसंद था, अब इस टाइम हमें ना येलो पसंद है, यानी पीली पीला रंग पसंद है, तो मैं नीला ही पीला पहन रही हूँ इस बार जो है। हाँ, आप भी पीला पहना, इनका पीला वाला जो फ्रॉक है मैं इलाहाबाद में बोल गई हूँ। और दोस्तों, मैं ससुराल में हूँ, आपको इस ब्लॉग को देख के पता चल जाएगा, फाइनली हम ससुराल में हैं। तुम्हारे पास जो इनका वाला फ्रॉक है वो टांगा है वहाँ। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो है ना आप लोगों को एक देने वाली हूँ गुड न्यूज। तो पहले काम को ख़त्म कर देते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि आखिर गुड न्यूज क्या है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत खुश हैं। तो ये देखो, हमारी गुड़िया रानी अलमीरा खोल के बैठी हुई है, देखो जानवी। हाँ? क्या हो रहा है? मेरा बैग निकाल रही है, उसमें कुछ नहीं है, रख दो। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको किचन में, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, कोहड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और बनाऊँगी मीठी पूड़ी दाल चावल। तो दोस्तों, इसकी रेसिपी हमने कई बार आप लोग के साथ शेयर किया है, तो मैं सोची चलो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो ये देखो, मेरी पूड़ी जो है बन के तैयार हो गई दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट होती है मीठी पूड़ी। खाना हमारा खाना कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, हमारा खाना बन गया, हमने खाना बना लिया। तो अब चल रहे हैं कपड़ा धुलने, कपड़ा धुल के आएंगे, फिर आप लोगों से ना जो है बैठ के बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं खा रही हूँ सौफ और मिश्री, खाना खाने के बाद हम इसे जरूर खाते हैं। कहते हैं कि इसे खाने से ना चेहरे पे ग्लो आता है और जो पिंपल्स होते हैं ना वो नहीं निकलते, ऐसा हमारी दादी माँ कहती थी, तो इसलिए मैं जो है अधिकतर इसे खाती रहती हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारे फेस जो है कितने ग्लो है ना, और मैंने कुछ लगाया भी नहीं है। तो चलिए, तो दोस्तों, हमने निरमा में कपड़ा अपना पहले से ही भिगो दिया था, वो फूल चुका है। अब मैं आ गई हूँ अपने छोटे से बाथरूम में और चल रहे हैं कपड़ा धोने गाइस। तो धुल लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है अपने पुराने वाले नल पे कपड़ा धुल रही हूँ, हम ट्राईपोड लेके नहीं आए हैं, इलाहाबाद में ही छोड़ दिए हैं, तो बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर दें, आई होप आप लोग को अच्छा लगे। सो गाइस, हमारा सारा काम जो है ख़त्म हो गया है, हमने कपड़ा धुल लिया बच्चों का, फिर उसके बाद वहाँ डाल दिए हैं सूखने के लिए धूप में, और मैं यहाँ पे आई हूँ अपने घर के पीछे आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो बैकग्राउंड है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, ये देख सकते हैं आम में जो है
ओ सॉरी, पेड़ में टिकोरे भी लग गए हैं आम के छोटे छोटे, वो देखो। अभी मैं आपको ना जूम करके दिखाऊंगी, तभी दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी दूर है ना तो आपको क्लीन नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जो है हमारी देवरानी जी के बारे में पूछ रहे थे कि भाभी आपकी देवरानी कहाँ है कहाँ है। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आखिर मेरी देवरानी कहाँ है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने अपने ब्लॉग में कई बार आप लोगों को बताया कि हमारे जो हबी हैं, दो भाई हैं और हमारी सिर्फ एक ननद है, वैसे चाचा के लड़के भी हैं और चाची की भी लड़की है। फाइनली अब हमारे देवर जी की शादी होने वाली है और हमारी भी देवरानी आने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग भी खुश होना, क्योंकि अब हम जो है जेठानी बनने वाले हैं। हमारी भी देवरानी आ रही है भाई, अब तो मज़े ही मज़े हैं। अब आप लोगों को जो है उनसे भी मिलवाएंगे आप सभी से, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सब्र करना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि अभी जो है देवा जी की सगाई होगी, फिर उसके बाद शादी होगी, तब फिर हमारी देवरानी जी आ जाएंगी। तो आपके प्रश्नों का जो है मैंने उत्तर दे दिया, क्योंकि आप लोग ना, मैं आपको बता दूं कितने साल से पूछ रहे हैं कि देवरानी कहाँ है, आपकी देवरानी कहाँ है, ब्लॉग में क्यों नहीं लाती। तो भैया, हमारे देवर की शादी ही नहीं हुई थी तो देवरानी कहाँ से आ जाएंगी। तो फाइनली अब हमारे देवर जी की शादी है, तो सबसे पहले सगाई होगी उनकी, फिर उसके बाद शादी होगी। हमने दीदी से बोला था कि दीदी आप जो है सबसे पहले अपने चैनल पे बता दीजिए, उसके बाद जो है मैं बताऊंगी। तो दीदी का ब्लॉग आप लोगों ने देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं प्रियादी ब्लॉग, तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनाती हैं हमारी दीदी जी। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बता दिया और आप लोग अब दोबारा मत पूछना आपकी देवरानी कहाँ है। अब आप लोग सीधे ब्लॉग देखते जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को मिस बिल्कुल मत करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुँच जाए मैसेज, तो आप जो है ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा छोटा सा आम का पेड़, अभी इसे एक साल भी नहीं हुए हैं, इसको अभी जो है 4 महीने हुए होंगे, 4 महीने में इतना बड़ा हो गया। और वो देखो, ये देखो छोटे छोटे जो है इसमें टिकोरे लगे हुए हैं आम के पेड़ में, ये आम का पेड़ है तो इसमें आम ही फरेगा ना। तो जो छोटा सा होता है, जो छोटा आम होता है, उसको हमारे यहाँ टिकोरा बोलते हैं। तो ये देखो एकदम छोटू 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 छोटू, ये देखो, देख लिया ना आप लोगों ने, ये अब मैं थोड़ा सा दूर कर देती हूँ, मैंने जूम करके आप सभी को दिखा दिया। और वो बड़े वाले पेड़ में भी लगे हुए हैं, अभी लोग जब बारिश होने लगेगी ना तो ये सब बड़े बड़े हो जाएंगे आम। तो चलिए दोस्तों, हमने आप लोगों से बातें काफ़ी सारी ज़्यादा करी हैं, और चलो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, अपनी आराध्या को इजाज़त दो, ठीक है, बाय।